नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको कॉर्ड डेटा एंड देयर एनाटॉमी पढ़ना है। इसमें हमने हार्डमानिया शुरू किया था यूरोकॉर्डेट में। तो हार्डमानिया में हमने इसका जनरल कैरेक्टर, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटाट, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज इसमें हम कवर करेंगे इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपके सभी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जो भी उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट सभी नोट्स के मिलते रहें और लेक्चर्स के मिलते रहें। और आपको कोई भी क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दिखता है, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ ये पूरा एक फ्रेम में आ नहीं रहा है, यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपके एनस में। ठीक है, एनस में यहाँ पे, ठीक है, माउथ टू एनस इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट इनका होता है क्या, क्या नाम है, फेरिंग्स, जिसमें कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। पेरीफेरिंजियल बैंड पाए जाते हैं, पेरीब्रैंकियल जोन, ब्रैंकियल टेंटिकल्स, ब्रैंकियल सैक, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो माउथ होता है वो आगे की तरफ खुलता है आपके किसमें, बक्कल कैविटी में, जिसको क्रिस्टोमेडियम कहते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर को आप कह सकते हैं एक तरीके से स्विच का काम करता है माउथ को खोलने के लिए। जब भी फूड आता है तो उसको खोलने के लिए स्विच का काम करता है। और इसके नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रैंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो भी क्या करते हैं, इसके फूड के प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। लार्जर फूड को फेरिंग्स में नहीं जाने देते हैं, ठीक है, केवल स्मॉलर फूड पार्टिकल्स को जाने देते हैं। ये जो है आपका जो बक्कल कैविटी है, आगे की तरफ फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, फिर आगे इस तरीके से ये आगे के पार्ट्स में खुलते हैं, ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और रेक्टम में, फिर एनस में, इस तरीके से इनका पाया जाता है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता किस तरीके से है ये जानेंगे। ठीक है, डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल होता है, मेनली किससे बना होता है, दो तरीके का होता है। एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें पूरा डाइजेस्टिव पार्ट पाया जाता है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें लीवर वाला वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल की इनके बात की जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है हार्डमानिया का, क्वाइल्ड होता है, ठीक है, और कंप्लीट होता है। बिगनिंग होता है माउथ से और टर्मिनेट यानी कि खुलता कहाँ पे है, ओपन कहाँ पे होता है, एनस में। ठीक है, बिगनिंग यानी कि स्टार्ट इसकी जो है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट या टर्मिनेट एट एनस। ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, फिर फेरिंग्स में भी प्रीब्रैंकियल जोन, ब्रैंकियल सैक में भी कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, उसके बाद इसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। एक एक करके जाने के सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। तो माउथ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इनकी क्या होती है, ब्रैंकियल साइफन जो होते हैं, जो ब्रैंकियल साइफन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैंकियल साइफन पे इनका क्या पाया जाता है, माउथ। और माउथ इनका फोर लिप से क्या होता है, गार्डेड होता है, जो किससे मिलकर बनी होती हैं, टेस्ट से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा आपका आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है, माउथ जो है, लीड्स इनटू, जो माउथ है वो आपका लीड करता है, यानी कि खुलता है लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी में, जिसको कि जो कि ब्रैंकियल साइफन की कैविटी होती है, जिसको कि बक्कल कैविटी या स्टोमेडियम कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है बेस ऑफ साइफन पे, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ माउथ को। ठीक है, स्फिंक्टर मैंने आपको दिखाया था। एक सर्कलेट पाया जाता है, हाईली ब्रांच डेलिकेट, पतले पतले ब्रैंकियल टेंटिकल्स का, जो कि रिचली सप्लाइड होता है नर्व से, नर्व से सब पूरा सप्लाइड होता है वो टेंटिकल, जो कि बेस ऑफ साइफन पे क्या होता है, पाया जाता है, जो कि कितने होते हैं नंबर में, 4 डिफरेंट साइज के और 64 होते हैं ये नंबर में। ठीक है, फ्री एंड जो होता है टेंटिकल का, वो सेंटर फॉर्मिंग करता है एक शॉर्ट स्ट्रेनर का,
जो कि लार्जर फूड को एंटर करने से रोकता है, किसमें, फेरिंग्स में। तो इसका बेसिकली यही काम है, ये लार्जर फूड को अंदर नहीं जाने देता है। बात करते हैं फेरिंग्स की, तो ये देख सकते हैं कि फेरिंग्स को लॉन्गिट्यूडिनली और मिड वेंट्रली इंडोस्टाइल से जो है शो किया गया है कि किस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, फेरिंग्स से शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ लेता है, ये ब्रेंकियल अपर्चर है, ब्रेंकियल साइफन है, डॉर्सल ये ट्यूबरकल है, ये आपका प्री ब्रेंकियल जोन है, यहाँ पे डॉर्सल लेमिना पाया जा रहा है, ईसोफेजियल एरिया, ब्रेंकियल फोल्ड्स, कट ऑफ एज ऑफ इंडोस्टाइल, ब्रेंकियल स्फिंक्टर्स, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। फेरिंग्स की बात की जाए तो बक्कल कैविटी किस में जाके खुलता है, आपके फेरिंग्स में खुलता है, जो कि मेजर पार्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी का या एट्रियल कैविटी का। एट्रियल कैविटी और ब्रेंकियल कैविटी आपको मैंने बताया था, तो ये एट्रियल कैविटी का लार्जर पार्ट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड होता है प्री ब्रेंकियल जोन में और ब्रेंकियल साइन के, दो पार्ट में ये डिफरेंशिएटेड होता है। प्री ब्रेंकियल जोन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और एंटीरियर रीजन पे पाए जाते हैं, इनमें स्मूथ वॉल पाए जाते हैं, इनमें फोल्ड नहीं पाया जाता है, सीलिया नहीं पाए जाते, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स। ठीक है, स्मूथ वॉल होते हैं, विदाउट फोल्ड होते हैं, सीलिया, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये जो है सेपरेटेड होते हैं ब्रेंकियल सैक से, किसके द्वारा, दो सर्कुलर थिन पैरेलल सीलिएटेड रिज द्वारा, जिनको एंटीरियर या पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल ब्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये इनक्लोज करते हैं एक नैरो सीलिएटेड पेरीफेरेंजियल ग्रुप। ठीक है, एंटीरियर पेरीफेरेंजियल पेरीफेरेंजियल ब्लैंड जो होता है वो कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है मिड डॉर्सली, इन फ्रंट ऑफ लाइज अ स्मॉलर डॉर्सल ट्यूबरकल मेड अप ऑफ टू स्पायरल कॉयल्स, जो कि दो स्पायरल कॉयल जो होते हैं मिलके डॉर्सल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूबरकल मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं आप, डॉर्सल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सेपरेट करता है। ठीक, अब द पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड इज इंटरप्टेड मिड डॉर्सली बाय डॉर्सल लेमिना एंड मिड वेंट्रली बाय इंडोस्टाइल। अब जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल ब्लाइंड होता है वो इंटरप्टेड होता है बीच से डॉर्सल लेमिना के द्वारा। ठीक है, डॉर्सल लेमिना यहाँ देख सकते हैं, डॉर्सल लेमिना और कट एंड ऑफ एंडोस्टाइल, कट एज एंड ऑफ एंडोस्टाइल, इसके द्वारा क्या होता है, इंटरप्टेड होता है आपका जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड होता है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, एक एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड जो आगे की तरफ पाया जाएगा, दूसरा पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। दूसरा आपका पाया जाता है ब्रेंकियल सैक। तो ब्रेंकियल सैक की बात कीजिए तो ये लार्जर पोस्टीरियर रीजन होता है फेरिंग्स का। ठीक है, इसको ब्रेंकियल बास्केट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बास्केट की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसके वॉल जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं यानी कि उनमें छेद पाए जाते हैं जिनमें न्यूमरस कुछ गिल्सलिट या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। जो ईच साइड होता है ब्रेंकियल साइड का वो बियर करता है लगभग कितने, आपके 200,000 स्टिग्मेटा, जो कि ट्रांसवर्स रो में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टिग्मेटा आपको दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया गया है, इस तरीके से ट्रांसवर्स रो में स्टिग्मेटा इनके बीच में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए तो जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्टिग्मेटा की वो लॉन्ग सीलिया बियर करती है, उस पर पाया जाता है जिसको लिकी लेटरल सीलिया कहा जाता है। फेरिंजियल वॉल जो होते हैं इनके डिवाइडेड होते हैं स्टिग्मेटिक रेक्टेंगुलर एरिया में, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार पाए जाते हैं जिसमें हर बार में 5 से 6 स्टिग्मेटा क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो सारे बार्स होते हैं वो हाईली वेस्कुलर होते हैं और ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं। उन बार्स में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ से इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सम अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो एसोसिएटेड विथ ब्रेंकियल सैक जिनका रोल होता है डाइजेशन में, जैसे कि पहला आपका ट्रैबिकुली आ गया। ट्रैबिकुली की बात की जाए तो ट्रैबिकुली जो होता है वो हॉलो स्ट्रैंड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ये कनेक्ट करता है आउटर वॉल ब्रेंकियल सैक को मेंटल से। ठीक है, जो ब्रेंकियल सैक का आउटर वॉल होता है उसको मेंटल से कनेक्ट करता है। इनर वॉल जो होता है ब्रेंकियल सैक का उसमें 9 से 10 लॉन्गिट्यूडनल ब्रेंकियल फोल्ड्स पाए जाते हैं जो उसके सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना की बात की जाए तो ये थिन फ्लैप या फोल्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है मतलब आगे बढ़ा होता है मिड डॉर्सली पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल जो बैंड होता है वहाँ तक। इसका जो लेंथ की बात की जाए तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जिसमें 20 से 30 कोनिकल टेपरिंग टंग लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं जिनको लैंग्वेट्स कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेट्स पाए जाते हैं।
ये लैंग्विड्स क्या होते हैं? हैंग डाउन लटके होते हैं डॉर्सल लेमिना से ब्रैंकियल सैक की कैविटी में। ये लैंग्विड्स एपिथीलियल सिलिएटेड एपिथीलियम के द्वारा कवर्ड होते हैं और ये सॉल्ट ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तीसरा आता है आपका एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या होता है? ये एक सैलोमिड डॉर्सल ग्रुप होता है जो कि फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल सैक पे क्या होता है, पाया जाता है। इसका एंटीरियर जो पार्ट होता है वो ज्वाइन करता है पेरिफेरेंजियल ग्रुप को। मार्जिनल फोल्ड जो होता है इनका, एंडोस्टाइल का मर्ज होता है पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के द्वारा, ठीक है। ये फोल्ड जो होते हैं रीच अप करते हैं ईसोफेगियल ओपनिंग में एज अ थिन रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड। एक थिन रेट्रोफेरिंजियल फोल्ड की तरह ये किस में खुलते हैं, ईसोफेगस में खुलते हैं। स्ट्रक्चरली इंडोस्टाइल जो होता है वो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट जिसमें एक मेडियन दो लेटरल पेयर होते हैं अल्टरनेटिंग विथ 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट जिनमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं, इससे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। एंडोस्टाइल जो होता है वो होमोलागस होता है हाइपोफेरिंजियल ग्रुप ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और थायरॉयड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वर्टिब्रेट्स का और हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड होता है सिफेलोकॉर्डेट का, उसके होमोलागस मतलब उसकी तरह ये सिमिलरिटी शो करते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है। ईसोफेगल एरिया की बात की जाए तो ये पोस्टीरियर मोस्ट रीजन है ब्रैंकियल सैक का। स्मॉलर ईसोफेगल सर्कुलर एरिया पाए जाते हैं, दो सेमी सर्कुलर लिप्स से इस तरीके से ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था ऊपर, दो सेमी सर्कुलर लिप्स से ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनमें डिवॉइड यानी कि एब्सेंट होता है ब्लड वेसल फोल्ड्स और स्टिग्मेटा। ईसोफेगस की बात की जाए तो ये वेरी शॉर्ट कर्व और थिक ट्यूब होता है, 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रुप पाए जाते हैं, कनेक्ट करता है ब्रैंकियल सैक को स्टमक से। स्टमक क्या होता है आपका, वाइडर होता है ईसोफेगस से, थिन वॉल्ड होता है, स्फिंक्टर्ड होता है दोनों एंड पे, मतलब इसके आगे वाले एंड और दोनों पीछे वाले दोनों एंड पे स्फिंक्टर पाया जाता है जो इनको खोलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस पे स्मूथ इनर लाइनिंग पाई जाती है। इंटेस्टाइन की बात की जाए तो थिन वॉल्ड होते हैं, यू शेप्ड के होते हैं, प्रॉक्सिमल वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल डॉर्सल या असेंडिंग लिम्ब सबका फॉर्मेशन करते हैं और जो सारे क्या होते हैं इंटीरियर एंड पे यूनाइटेड होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। इंटेस्टाइन दस इंटेस्टाइनल लूप दस फॉर्म्ड इंक्लोजेस द लेफ्ट गोनड, जिसकी वजह से एक इंटेस्टाइनल लूप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर लेफ्ट गोनड क्या होते हैं, बंद होते हैं। रेक्टम की बात की जाए, इंटेस्टाइन लीड करता है रेक्टम में आके खुलता है और इंटरनली ये लाइंड होते हैं सीलिया के द्वारा। ये कर्व्स होते हैं डॉर्सली, ओपन होते हैं एट्रियल या क्लोआकल थ्रू एनस के थ्रू, और एनस गार्डेड होते हैं फोर लिप्स के थ्रू। क्लोआका की बात की जाए तो एट्रियम या क्लोआका जो है वो लीड करता है एट्रियल साइफन को और ओपन होता है आउटसाइड एट्रियल अपर्चर के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरा किस तरीके से पाया जाता है हार्डवानिया में। अब आगे हम पढ़ेंगे इनका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम इनमें बहुत सिंपल टाइप का और डीजनरेट यानी कि बहुत सारे ऑर्गन इनमें क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें रेट्रोग्रेसिव मॉर्फियसिस पाया जाता है। जो ये वेल डेवलप्ड होते हैं वो लार्वल स्टेज में वेल डेवलप्ड होते हैं, जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो वो क्या होता है, इनमें से जो इनका मेन कैरेक्टर जिसको जिसकी बेसिस पे इनको कॉर्डेट कहा जाता है यानी कि नोटोकॉर्ड, वही क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। तो इस वजह से इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, बहुत सिंपल टाइप का होता है एडल्ट में। यहाँ बात की जा रही है एडल्ट की, हम लोग एडल्ट हार्डमानिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स पिंकिस, ठीक है, पिंक कलर के इलांगेटेड अबाउट 4 mm लॉन्ग सॉलिड नर्व गैंग्लिया, पिंक कलर के ये इस तरीके से सॉलिड नर्व गैंग्लिया को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनका आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नर्वस सिस्टम का, ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको, ये इनके न्यूरल ग्लैंड पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये नर्व पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके टेस्ट पाए जा रहे हैं, मेंटल पाए जा रहा है, पेरिफेरेंजियल ब्लैंड नर्व गैंग्लिया यहाँ पे बीच में इस तरीके से नर्व गैंग्लिया पाया जा रहा है, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड इनमें नर्व गैंग्लिया इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये न्यूरल ग्लैंड इनके पाए जा रहे हैं। आगे और देखते हैं इनके स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से नर्व गैंग्लिया यहाँ पे फूला हुआ पार्ट पाया जाता है, इससे क्या होता है ब्रैंकियल अपर्चर और एंटीरियर नर्व फाइबर्स, एट्रियल अपर्चर पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स, नर्व्स निकले रहते हैं। ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स है जिसमें नर्व फाइबर, डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं बना पाते हैं तो हमेशा प्रेफर किया जाता है कि इसकी जगह पे आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाइए, अगर नर्वस सिस्टम आपसे पूछा जाता है कि इसका हार्ट मानिया का, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। अब बात की जाए इनके नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या होते हैं, 4 mm लॉन्ग होते हैं, मिंकेस कलर के होते हैं, सॉलिड नर्व गेंग्लिया का फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि सो कॉल्ड ब्रेन कहलाते हैं, या सेरिब्रल गेंग्लिया, जो कि धसे हुए होते हैं मेंटल में, डॉर्सल साइड ऑफ बिटवीन टू साइफर्स, ठीक है। इन मोस्ट ट्यूनिकेट इट प्रेजेंट डॉर्सल टू न्यूरल ग्लैंड, कुछ बहुत सारे ट्यूनिकेट्स में ये डॉर्सल साइड में न्यूरल ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हार्डमानिया में ये जस्ट बिलो न्यूरल ग्लैंड के पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे ही पाया जाता है। इनके ब्रेन जो होते हैं बाईपोलर होते हैं, यानी कि दो तरीके के इसमें पोल निकले होते हैं, ठीक है, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं नर्व सेल्स इनके। ये बॉडी के रिफ्लेक्सेस को, जो भी रिफ्लेक्स मिलता है बॉडी को, उसको कंटेन करते हैं, ठीक है। ये फ्रॉम ब्रेन 3 nerve इमर्जेस एंटीरियरली टू इनर्वेट्स द ब्रैंकियल साइफन, 2 nerve पोस्टीरियरली टू एट्रियल साइफन। इनके जो ब्रैंकियल साइफन है उससे 3 nerve निकलते हैं, और जो एट्रियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन है, यानी कि उससे क्या होते हैं, पोस्टीरियरली 2 nerves निकलते हैं। 3 structure से मिलकर ये बने होते हैं, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया या ब्रेन, डॉर्सल ट्यूबरकल, या कलेक्टिवली इसको न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इनसे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से दिखाया है, कुछ इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अब बात कीजिए इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, इंपॉर्टेंट पाना जाता है, अगर आपका रिटर्न आता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जरूर क्वेश्चन में दिया रहता है, या अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो वहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हार्ट या पेरिकार्डियम पाए जाते हैं, ब्लड वेसल पाया जाता है, और ब्लड पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट या पेरिकार्डियम की, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इनका क्या होता है, हार्ट पाया जाता है, ये हार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। हार्ट सराउंडेड होता है पेरिकार्डियम में, ये पेरिकार्डियल कैविटीज़ पाई जा रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू फ्लैग पाए जा रहे हैं, ब्रैंकियल कार्डियक वेसल पाया जा रहा है, वेंट्रल एओर्टा पाया जा रहा है, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो इनके हार्ट का पेरिकार्डियम का TS कटा हुआ है, तो इनके TS में ल्यूमेन पाया जा रहा है इस तरीके से, हार्ट का एपिथीलियल वॉल, पेरिकार्डियम, मसल लेयर, पेरिकार्डियल वॉल, ब्लड साइनस, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट या पेरिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब फैलना या सिकुड़ना, सिस्टोल डायस्टोल जैसे हम लोगों के हार्ट में पाया जाता है वो इनमें नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इनको अगर देखा जाए बाहर से कि क्या क्या अंदर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो सब दिख जाएगा। 7 cm से लेकर 3 mm तक लॉन्ग होते हैं, वाइड रनिंग होते हैं ऑब्लिकली बिलो द राइट गोनेट, राइट गोनेट के नीचे की तरफ से ये जाते हैं। इट इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से, मतलब इस तरफ से भी और इस तरफ से, इस तरीके से क्लोज्ड होता है, और फिल्ड होते हैं कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से, ठीक है। इसमें कार्पसकल पाए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं ब्लड की तरह, ठीक है। ब्लड कार्पसकल जैसे हम लोगों में WBC RBC ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वैसे इन लोगों में भी पाया जाता है, ठीक है। थिक वॉल जो होते हैं इनके, इट वॉज अ थिक मेड अप कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन ब्लड साइनसेस एंड इंटरनली लाइंड बाई स्क्वामस एपिथीलियल, अंदर की तरफ जो इनकी लाइनिंग होती है वो किस, कौन से एपिथीलियम उसमें पाए जाते हैं, स्क्वामस एपिथीलियम पाए जाते हैं। हर एपिथीलियम के अपने प्रेजेंट होने का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, आप सब ने 12th class में एपिथीलियल टिश्यू जरूर पढ़ा होगा, तो हर एपिथीलियल, हर टिश्यू का अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है, ठीक है। हार्ट की बात की जाए तो इनक्लोज होते हैं पेरिकार्डियम में, ठीक है, और अटैच होते हैं इट वॉल अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ बाई अ मेसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप से, ठीक है। ये सराउंडेड होते हैं इनफोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग का मतलब मुड़े हुए इनफोल्डिंग से पेरिकार्डियम की, लेकिन हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। पेरिकार्डियम क्या है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है, जबकि हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं था। थिन वॉल्ड होते हैं और स्ट्रिएटेड मसल इनमें पाए जाते हैं। बोथ एंड्स ऑफ हार्ट आर ओपन, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों एंड इनके क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वॉल्व या जैसे हम लोगों में कई सारे वॉल्व या स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, लेकिन एक पियर सेप्ट का प्रेजेंट होता है बॉडी के मिडवे में, जिसको कि पेरिकार्डियल बॉडी कहते हैं, जो कि प्रोबेबली रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ब्लड को हार्ट में, ठीक है। अब इनमें ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो मेनली ब्लड वेसल्स जो हैं
वो डिफिनिट वॉल्स होते हैं लेकिन स्मॉलर बट द स्मॉलर वंस लाइक देम ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनमें डिफिनिट वॉल पाए जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर ब्लड वेसल होते हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। लार्जर ब्लड वेसल की बात की जाए तो और देयर ब्रांचेस ऐसे हैं किस तरीके से, वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, ब्रैंकियो विसरल वेसल, कार्डियो विसरल वेसल। ठीक है, एक एक करके जानेंगे वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, ब्रैंकियो विसरल वेसल और कार्डियो विसरल वेसल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेंट्रल एओर्टा की। ठीक है, तो वेंट्रल एओर्टा की बात की जाए तो जो वेंट्रल एओर्टा होते हैं ये वेंट्रल या सब इंटरस्टाइलर वेसल होते हैं, लार्जेस्ट वेसल होते हैं बॉडी के, और वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट से क्या होते हैं, जो वेंट्रल साइड होता है हार्ट का वहां से एराइज होते हैं। ठीक है, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं इसमें किस तरीके से सारे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉर्सल एओर्टा पाया जा रहा है, ठीक है, एट्रियल साइफन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, ब्रैंकियो विसरल वेसल, मिड डॉर्सल वेसल, ठीक है, राइट इसोफेगियल वेसल, लेफ्ट इसोफेगियल वेसल्स, ठीक है, इस तरीके से सारे वेसल्स अगर आप इसमें देख सकते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जा रहा है जिसमें सारे वेसल्स पाए जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह, सब टेंट्रिकुलर वेसल्स, सारे वेसल्स इनमें क्या गए किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, जिनमें से हमने स्टार्ट किया था वेंट्रल वेसल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम लोग इसका पढ़ लें वेंट्रल एओर्टा। तो यहाँ पे जो होता है, एट दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन फर्स्ट गिव्स आउट ए स्टाउट, एक स्टाउट लाइक स्ट्रक्चर जो वेंट्रल टेस्ट वेसल को क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द टेस्ट को ब्लड को सप्लाई करता है। उसके बाद ये बाइफर्केट यानी कि डिवाइडेड हो जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच में, जो कि रन करता है पीछे की तरफ इंटायर लेंथ में इंटरस्टाइल के। ठीक है, इसकी दोनों जो ब्रांचेज होती हैं, बोथ ब्रांचेज, 40 से 56 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल जो है ब्रैंकियल वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक को क्या करते हैं, भेजते हैं, और सेवरल फाइन वेसल इंटरस्टाइल और मेंटल को जाती हैं। ठीक है, एंटीरियर ब्रांच जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं दो सर्कुलर वेसल को एट बेस ऑफ ब्रैंकियल साइफन, पेरिफेरिंजियल वेसल एंड सब टेंटाकुलर वेसल पे। ठीक है, इनकी जो लेटरल ब्रांच होती हैं वो सेंड करती हैं टेंटाकुलर ब्रांच इन ईच टेंटिकल एंड 6 to 8 साइफोनल वेसल इनटू ब्रैंकियल साइफन। पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है इनकी सप्लाई करती है माइनर ब्रांच इसोफेगल एरिया को। यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से वेंट्रल एओर्टा से सारी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस निकल के अलग अलग बॉडी पार्ट तक किस तरीके से पहुँचती हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। बात की जाए तो डॉर्सल एओर्टा की, तो डॉर्सल एओर्टा में क्या होता है, ये स्टाउट होता है वेसल का, मिड डॉर्सली डॉर्सल वॉल पे पाया जाता है ब्रैंकियल सैक के, कनेक्टेड होता है हार्ट से बट कम्युनिकेट वेंट्रल एओर्टा थ्रू 5 to 7 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल। लेकिन ये कम्युनिकेशन अपना किससे करता है, ब्रैंकियल सैक के 5 से 7 जो ट्रांसवर्स वेसल होते हैं उनके, द सर्कुलर फेरी फेरेंजियल एंड सबटेंटाकुलर वेसल, ब्रैंकियल सैक के सर्कुलर पेरी फेरेंजियल ट्रांसवर्स वेसल सबटेंटाकुलर वेसल से। ठीक है, डॉर्सल एओर्टा की बात कीजिए तो ये सप्लाई करता है ब्रांचेस को न्यूरल कॉम्प्लेक्स को, डॉर्सल ट्यूबरकल को, 6 to 8 साइफन वेसल को और मेंटल ऑफ ब्रैंकियल साइफन को ये क्या करता है, सप्लाई करता है। ब्रैंकियो विसरल वेसल की बात की जाए तो ये पोस्टीरियर पार्ट डॉर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर पार्ट से डिवाइड होता है और तुरंत ही डिवाइड होकर दो ब्रांच बना लेता है। पहला जो ब्रांच होता है वो राइट इसोफेगियल वेसल को जाता है जो शॉर्ट होता है, और राइट लिवर लोब और राइट साइड ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करता है। दूसरा जो डिवाइड होता है वो वेंट्रो इंटेस्टाइलर वेसल में डिवाइड होता है, लॉन्ग होता है, सप्लाई करता है ब्लड को लेफ्ट साइड के इसोफेगस को, स्टमक को, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनड, लेफ्ट लीवर, मतलब लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी को ये क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। कार्डियो विसरल की बात वेसल की बात कीजिए तो कार्डियो से आप समझ ही सकते हैं, कार्डियो जहाँ ले लिया जाए तो वहाँ हार्ट की बात की जाए, तो ये डॉर्सल एंड ऑफ हार्ट से क्या होता है, एराइज होता है, निकलता है और सेवरल ऑर्गन को ब्लड को सप्लाई करता है। इमीडिएटली ये नियर ओरिजिन ये सेंड करता है राइट हेपेटिक वेसल को, राइट लीवर लोब को और इसोफेगियल टेस्ट वेसल को, और इसोफेगस और टेस्ट को ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। एक मेन डॉर्सल ब्रांच जो है सेंड करता है टेस्ट वेसल को, लेफ्ट इसोफेगियल, राइट गोनेडियल वेसल को, और सप्लाई करता है उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गन को जो जो वहाँ पे ऑर्गन पाए जाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स ऑफ 6 to 8 साइफोनल वेसल इन टू द वॉल ऑफ एट्रियल साइफन, ये 6 से 8 साइफोनल वेसल को भी भेजता है किसमें, एट्रियल साइफन में। मिडिल ब्रांच जो होता है इसका या लेफ्ट गोनेडियल वेसल जो होता है ऑब्लिकली प्लास्ट होता है लेफ्ट गोनड में। मेन वेंट्रल ब्रांच जो होता है इसका डिवाइड होता है किसमें, डॉर्सल इंटेस्टाइनल वेसल में, जो कि लेफ्ट लीवर लोब को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, गैस्ट्रिक वेसल को,
इन सबको भेजता है और डॉर्सल टेस्ट वेसल से टेस्ट को भेजता है, ठीक है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका PDF सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसा होगा। अब इनके ब्लड की बात की जाए तो ब्लड किस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, हार्ट पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ा, अब हम ब्लड जानेंगे। इनका ब्लड जो होता है स्लाइटली रेडिश, रेडिश कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरीके से आप इनके ब्लड को देख सकते हैं। हाइपरटोनिक होते हैं सी वाटर की वजह से, मतलब इनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो ये कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। ये फ्यू कलरलेस एमेबॉइड ल्यूकोसाइट इनमें पाए जाते हैं जो कि WBC के पार्ट होते हैं। 6 से 7 टाइप के कलर्ड कॉर्पस्कल्स इनमें पाए जाते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। नेफ्रोसाइट जो होते हैं उनके हैविंग वैक्यूल्स एंड कोलाइडल साइटोप्लाज्म। पिगमेंट फाउंड इन कॉर्पस्कल मे बी ऑरेंज, येलोइश ब्राउन या येलो ग्रीन कलर के, बट नेवर रेड, कभी रेड कलर के नहीं होते हैं, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे वेंट्रल एओर्टा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा के बाद हार्ट में जा रहे हैं, हार्ट से कार्डियो विसरल वेसल, फिर विसरल ऑर्गन और टेस्ट में, फिर ब्रैंकियो विसरल वेसल में, डॉर्सल एओर्टा में, डॉर्सल एओर्टा में फिर से ये ब्रैंकियल वेसल में आ रहे हैं, फिर वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से फिर ब्रैंकियल वेसल, फिर डॉर्सल एओर्टा में, इस तरीके से ये पास होते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हार्डवानिया में कोई वॉल्व नहीं पाया जाता हार्ट में, जो मेंटेन होता है ब्लड का फ्लो वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स, इस तरीके से मूवमेंट होता है, उसी से इनका क्या होता है, ब्लड का सप्लाई मेंटेन होता है। हार्ट ऑफ एसिडियन इज यूनिक होते हैं एनिमल किंगडम में, ये चेंज करते हैं डायरेक्शन को, फ्लो ब्लड थ्रू इट्स रिवर्स पेरिस्टाइलिस एट रेगुलर इंटरवल। ये क्या करते हैं, ब्लड को आप देख रहे हैं ब्रैंकियल वेसल से फिर डॉर्सल एओर्टा, फिर ब्रैंकियल वेसल से डॉर्सल एओर्टा में जा रहा है, तो इनमें रिवर्स पेरिस्टाइलिस होता है, मतलब उस पहले एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे फिर उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स पेरिस्टाइलिस के थ्रू ये दो डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ब्लड को, ये इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें रिवर्स जो मतलब डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का उसको ये क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। द आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल्स व्हेन रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अकर पीरियोडिकली। जो इनके आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो अपना रोल चेंज करते हैं जिस तरीके से इनमें जो ब्लड का फ्लो है चेंज होता है। मान लीजिए पहले राइट साइड में पढ़ रहे हैं तो राइट साइड की तरह काम करेंगे, फिर रिवर्स हो गया अब तो ये लेफ्ट साइड की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। When the heart beats, ठीक है, ventrodorsally it pumps oxygenated blood into cardioviscerल vessel, which is distributed the various part of the body. जब ventrodorsally, मतलब ventral और dorsal side से blood इनका beat करता है तो oxygenated blood जो होता है cardioviscerल vessel से body के अलग अलग part तक जाता है, ठीक है। अब deoxygenated blood जो होता है वो viscera में collected होता है by ब्रैंकियोविसरल vessel and passes through dorsal aorta to finally reach into transverse ब्रैंकियल vessel for oxygenation, ठीक है। और जब रिवर्सल फेज आता है तो जो deoxygenated blood collected होता है cardioviscerल vessel में, ठीक है, फ्रॉम विसरा से, और पम्प्ड करता है वेंट्रल एओर्टा में, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल पेरिफेरेंजियल सबटेंटाकुलर एंड टेस्ट वेसल, ठीक है। अभी तक जो कार्डियोविसरल वेसल क्या था वो क्या किसकी तरह वर्क कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करने का, जब रिवर्सल होता है तो वो किसकी तरह वर्क करने लगता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करने लगता है, ठीक है। द ब्लड नाउ गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड इज कलेक्टेड बाय डॉर्सल एओर्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वंस अगेन टू विसरा थ्रू ब्रैंकियोविसरल वेसल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विसरा से कलेक्टेड होता है, फिर कार्डियोविसरल वेसल से और बैक हो जाता है हार्ट में और रिस्टार्ट करता है साइकिलिंग, इस तरीके से इनकी साइकिलिंग चलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की, सिस्टम होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूरल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यही इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है, जानेंगे इसके बारे में। ये क्या होते हैं, ओनली डेफिनेटिव एक्सक्रेटरी ऑर्गन हार्डवानिया इज न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, 4 mm लॉन्ग होते हैं और 1 mm थिक होते हैं। मिड डॉर्सली इम्बेडेड होते हैं मेंटल में, जस्ट अबव नर्व गैंग्लिया के जस्ट ऊपर या ब्रेन के जस्ट ऊपर, इस तरीके से आप देख सकते हैं नर्व गैंग्लिया के ये जस्ट ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं न्यूमरस ब्रांचिंग पेरीफेरल ट्यूब्यूल से, अराइज होते हैं फ्यू सेंट्रल ट्यूब्यूल से, विच ओपन इन टू लॉन्गिट्यूडनल कैनाल रनिंग थ्रू इंटायर लेंथ, पूरे लेंथ में ये क्या करते हैं, रन करते हैं। इंटीरियरली अगर बात की जाए आगे की तरफ तो वो जो कैनाल होते हैं वो शॉर्ट नैरो डक्ट में पास होते हैं बिटवीन एंटीरियर नर्व्स, जो कि ओपन
वो तहसीलिएटेड फनल के द्वारा प्री ब्रेंकियल जोन में किसके बेस पे, डॉर्सल ट्यूबरकल के बेस पे। एक्सक्रेटरी सेल आर इन फैक्ट नेफ्रोसाइट ऑफ ब्लड, जो इनके एक्सक्रेटरी सेल होते हैं वो जो ब्लड के नेफ्रोसाइट्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है। वही क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और मेनली इनके वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैंथिन या यूरेट पार्टिकल होते हैं जो पास होते हैं न्यूरल ल्यूमन के थ्रू न्यूरल ग्लैंड में, और इनके डक्ट क्या होते हैं, फाइनली डिस्चार्ज होते हैं प्रीब्रैंकियल जोन में फेरिंग्स में थ्रू द अपर्चर, अपर्चर के थ्रू, ठीक है। अब न्यूरल ग्लैंड इनके ऑल्सो सिक्रीट्स ए हार्मोन दैट कंट्रोल ओवी पोजिशन, इनके न्यूरल ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि इनके ओवी पोजिशन यानी कि इनका ओवरी का जो पोजिशन है या वो किस तरीके से है उसको कंप्लीट, उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को भी कंसीडर करते हैं, इसी वजह से इनको पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट के होमोलॉगस माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ होमो कौन सा ऑर्गन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट के होमोलॉगस है, तो आपको पता होना करते हैं। तो हार्डमानिया के बारे में ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी कि ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिनमें मेल और फीमेल बॉडी, ठीक है, मेल और फीमेल जो है एक ही स्ट्रक्चर में एक ही बॉडी में पाए जाएं, ऐसे जो है एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट। अभी तक आप जब प्लैटीहेलमिंथ्स पढ़े थे, आप पेपर फर्स्ट साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने प्रोटेंडस कंडीशन सुना था। लेकिन प्रोटेंडस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका एक ही बॉडी में पहली बात तो मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं, जब मेल जो है फीमेल जो है वो सॉरी जब मेल जो है वो पहले मैच्योर होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रोट्रैंडस कहा जाता है, ठीक है। अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है, मेल मैच्योर फर्स्ट, उसी बॉडी में अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो उसे प्रोट्रैंडस कंडीशन कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ कैसा कंडीशन पाया जाता है, प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस से मीनिंग आपका क्या है, प्रोटोगाइनस ऐसे कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे जो है आपका फीमेल पहले मैच्योर होगी, ठीक है। उसी बॉडी में मेल और फीमेल पहले पाए जाएंगे लेकिन मैच्योर पहले क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। और कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेल्फ है। अब इनमें गोनड गोनोडक्ट ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा सॉरी स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है आपको, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ओवेरियन लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में ये लोब्स पाए जा रहे हैं ओवरी के, ओवेरियन डक्ट्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये डक्ट जो पतले पतले निकले हुए हैं, ये ओविडक्ट है, ये ओविड्यूकल अपर्चर है, ये स्पर्म ड्यूकल अपर्चर है, इसमें स्पर्म पाए जाएंगे, स्पर्मेटिक डक्ट है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये स्पर्म डक्ट्यूल है, ये टेस्टिस के लोब है, ठीक है। दोनों साइड में आप देख रहे हैं एक सेंट्रल एक्सिस पाया जा रहा है और दोनों साइड में क्या पाए जा रहे हैं, लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं, दोनों साइड में क्या पाए जा रहे हैं, लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। और अगर इनके थोड़ा सा बात की जाए इनर स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरीके का पाया जाता है जिसमें दो साइड पाए जाते हैं, ठीक है। दो साइड की बात की जाए तो इधर इनर ओवेरियन जोन या रीजन पाया जाता है, ओवरी पाए जाने वाली, और आउटर टेस्टिकुलर जोन या रीजन पाया जाता है। इनर जो इनर साइड में होते हैं उधर क्या पाया जाता है, ओवेरियन जोन ओवा पाया जाता है, और बाहर की तरफ जो आउटर जोन पाया जाता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर रीजन, जिसमें कि आपका ओवेरियन जोन में ओवा पाए जाते हैं, ओविडक्ट पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और आउटर टेस्टिकुलर जोन या रीजन में स्पर्मेटिक सीका, स्पर्मेटिक डक्ट, सीलिएटेड एपिथीलियम, स्पर्मेटिक सीका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो बेसिकली इनको क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनर ओवेरियन जोन या रीजन, दूसरा आउटर टेस्टिकुलर टेस्ट जिसमें टेस्टिस पाया जाएगा जोन या रीजन, ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले गोनड के बारे में जानेंगे, तो गोनड की बात की जाए तो यहाँ पे दो लार्ज गोनड होते हैं जो कि कहाँ इम्बेडेड होते हैं, मेंटल में। अब मेंटल मैंने आपको ये बताया था इनके बॉडी वॉल की कवरिंग को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। जब इसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वहाँ पे आपको पढ़ाई गई थी तो वहाँ मेंटल के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से, तो प्लीज़ इसीलिए मैं इतने डिटेल में लेक्चर बनाती हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सब कुछ पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो मेंटल में क्या होते हैं, इम्बेडेड यानी कि धसे हुए होते हैं, ठीक है। राइट गोनड जो होता है, इनमें दो गोनड पाए जाते हैं, राइट गोनड और लेफ्ट गोनड, ठीक है। तो राइट गोनड के पोजीशन की बात की जाए कहाँ पे वो पाया जाता है, वो तो कहाँ पाया जाता है, जस्ट पैरेलल एंड डॉर्सल टू पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम होती है हार्ट की कवरिंग मैंने आपको बताई थी, जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से पूरा इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, ठीक है।
पेरिकार्डियम दोनों तरफ से बंद होता है, जबकि हार्ट क्या होता है, ओपन होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या होता है, राइट साइड में सिचुएटेड होता है जस्ट पैरेलल और डॉर्सल में किसके, पेरिकार्डियम के, जबकि लेफ्ट गोनड की अगर बात की जाए तो ये इंटेस्टाइनल लूप के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल लूप के अंदर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ गोनड की बात करेंगे कि किस तरीके से गोनड का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोनड की बात कीजिए तो ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो एडल्ट गोनड होता है यानी कि जो मेच्योर हो गया है वो इलॉन्गेटेड होते हैं, यानी कि इस तरीके से फैले हुए होंगे, इलॉन्गेटेड होंगे, लोब्यूलेटेड होंगे, गोल से स्ट्रक्चर होंगे, लोब्यूल लाइक, 3 से 4 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसमें देयर आर 10 to 25 राउंडेड लोब्स, इसमें 10 से 25 राउंडेड लोब्स पाए जाते हैं जो कि दो रो में अरेंज होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस से। इस तरीके से 10 से 15 पाए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और एक सेंट्रल एक्सिस बीच में पाया जाएगा और उसके दोनों तरफ ये क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। अब बात की जाए आगे इनके, तो ईच लोब मतलब जो प्रत्येक लोब होता है वो लार्जर बिग रेड कलर के आउटर टेस्टिकुलर रीजन से, ठीक है, बाहर की तरफ जो होता है, और ईच लोब जो होता है बाहर की तरफ एक लार्जर ब्रिक रेड रेड कलर के टेस्टिकुलर रीजन से मिलकर बना होता है, और अंदर की तरफ स्मॉलर छोटे पिंकिस कलर के इनर ओवेरियन रीजन से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया आउटर जो है टेस्टिकुलर रीजन और इनर ओवेरियन रीजन या जोन के बारे में, ठीक है। जो टेस्टिकुलर रीजन होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं स्पर्मेटिक सीका से, लाइंड होते हैं जर्मिनल एपिथीलियम से, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम फॉर्मेशन करते हैं स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोसाइट्स का, स्पर्मेटोजोआ का, जहाँ से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। अब जो ओवेरियन जोन की बात की जाए तो ओवेरियन जोन क्या होते हैं, वो लोबुलेटेड सर्फेस होते हैं, लोबुलेटेड सरफेस होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि राउंडेड ओवियन, जो राउंडेड ओवा होता है उसके कई सारे स्टेजेस डेवलपमेंट के, कई सारे स्टेजेस को, जैसे कि जब ओवा का डेवलपमेंट होगा तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस और डेवलपमेंट को जो है अपने अंदर ये क्या करता है, समाहित करता है, चलाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कैसे होते हैं, वो किस तरीके से लोबुलेटेड तरीके से दिखते हैं। आगे हम जानेंगे किसके बारे में, गोनोडक्ट्स के बारे में, व्हाट इज गोनोडक्ट, ठीक है, गैमेट्स के बारे में, देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ हम इसके टैडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसकी मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, उसमें एडहेसिव पपिला पाए जाते हैं, उसके क्वेश्चन भी हम उसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। गोनोडक्ट की बात की जाए तो ईच गोनड जो होते हैं वो दो गोनोडक्ट, ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट से मिले होते हैं, जो रन करते हैं अलॉन्ग सेंट्रल एक्सिस। अब गोनोडक्ट, ओविडक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये देख सकते हैं आप, ओविडक्ट यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, ओवेरियन डक्टिल पाया जा रहा है, इसी तरीके से गोनोडक्ट पे आए जाते हैं, ठीक है। ओविडक्ट जो होता है ये वाइडर ट्यूब होता है, फॉर्म्ड होता है यूनियन से ओवेरियन डक्टिल के, ठीक है, ओवेरियन डक्टिल जो छोटे छोटे हैं वो यूनियन यानी कि मिल के क्या करते हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वाइडर ट्यूब यानी कि चौड़ा ट्यूब होता है, ठीक है। वन फ्रॉम ओवेरियन जोन ऑफ ईच लोब, जो कि पाया जाता है कहाँ पे, ओवेरियन जोन में हर लोब के, ठीक है। इट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द गोनड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो है गोनड के पीछे से क्या होता है, एक्सटेंड करता है, बढ़ता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ओपन होता है क्लोआका में, जो कि कहाँ पाया जाता है, लिटिल बिहाइंड एनस, एनस के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए स्पर्मेटिक डक्ट या वॉस डिफरेंस, जिसको कहते हैं, एक मच नैरोवर डक्ट होता है जो कि स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के क्या होता है, यूनियन से फॉर्म होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिकुलर जोन जो होता है, हर लोब का जो टेस्टिकुलर जोन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब इनके गैमिट्स की बात की जाए तो गैमिट्स इनके क्या होते हैं, जो टेस्टिकुलर लोब होता है वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक मेच्योर स्पर्मेटोजोन जो होता है या स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अबाउट 4 माइक्रा होता है लेंथ में, ठीक है, 4 माइक्रॉन लेंथ में वो पाया जाता है। ईच हैज़ एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड, हर जो उसका स्पर्म होता है उसके पास एक ब्रॉड एंटीरियर हेड होता है इस तरीके से, ठीक है, जो कि न्यूक्लिएटेड होता है, कैप्ड होता है बीक लाइक एक्रोसोम से, यहाँ पे इस तरीके से बीक लाइक एक्रोसोम पाया जाएगा इन फ्रंट,
मिडिल में क्या पाया जाता है, नेक पाया जाता है और नीचे की तरफ एक शॉर्ट टेल पाया जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ेंगे जब इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इनके स्पर्म क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक्रोसोम शॉर्टर होता है, इक्वल या लॉन्गर देन हेड होता है, ठीक है। ओवेरियन लोब्यूल्स ओवा या एग प्रोड्यूस करते हैं, ये सब सेम बॉडी में हो रहा है क्योंकि ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट है। मैच्योर ओवम 0.3 mm होता है डायामीटर में। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एलोइस ग्रेनुलेटेड यॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। 3 ट्रांस मेम्ब्रेन सराउंड इसको करती हैं, 3 मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मेम्ब्रेन सराउंड, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं, कौन कौन सी, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, MBRANE रहेगा, ठीक है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, इनर कोरियन और आउटर कोरियन, 3 मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं। ये अब ओवा प्रोड्यूस हो गया, स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, अब क्या होगा इनमें, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल इन द सेंस कैसा होगा, बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होता है इनका फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी वाटर में होता है, ये अपना स्पर्म और ओवा दोनों बॉडी से रिलीज कर देते हैं, बॉडी बाहर यानी कि सी वाटर में जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, वहाँ से फिर देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से 2 cell stage, 3 उसके बाद 8 cell stage, 16 cell stage, 32 cell stage, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, देन टेडपोल लार्वा के बाद रेट्रोग्रेड से मेटामॉर्फोसिस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, और जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।